नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। इन दिनों यूपी के कई जिलों में तूफान ने भारी तबाही मचा रखी है। यूपी के संभल में तूफान के कारण महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि वन संपदा और बिजली विभाग को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। कल रात आए तेज तूफान के कारण हर तरफ भारी तबाही का ही मंजर है। आपको बता दें, यूपी के संभल में कल रात आए तेज तूफान ने महिला सहित 3 लोगों की जिंदगी छीन ली। पहला मामला थाना नक्सा के रुनकुद्दीन सराय का है, जहां घर जा रहे युवक पर अचानक टीन सेट उड़कर जा गिरा, जिस कारण उसकी गर्दन कटने से मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा मामला थाना हयात नगर के मूसापुर ईसापुर का है, जहां खेत पर काम कर रहे किसान पर पेड़ गिरने से किसान की मौत हो गई। वहीं तीसरे मामले की बात करें तो तीसरा मामला थाना असमलुली इलाके के ग्राम रायखुर्द का है, जहां तेज रफ्तार तूफान के कारण महिला के ऊपर दीवार भरभराकर गिर गई, जिस कारण महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। भीषण तूफान ने संभल में 3 लोगों की जिंदगी छीन ली, तो वहीं हर तरफ भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई। सड़कों पर कई पेड़ टूटे पड़े हैं और कई बिजली के पोल भी जमीन से उखड़ गए। कई पेड़ तो बिजली के तारों पर गिर गए, जिस कारण पूरे शहर की बिजली गुल है। सुबह होते ही प्रशासन ने अपनी भूमिका निभाते हुए मृतकों के घर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और सड़क पे पेड़ और बिजली के खंभों को सड़क से हटाने की प्रक्रिया शुरू की। तेज रफ्तार इस तूफान ने संभल में भारी तबाही मचा कर रख दी। क्या नाम है? क्या हादसा हुआ है? तूफान आया, तूफान के साथ वो पड़ता हूँ, दो मंजिल पे से पींग गिरी, वहाँ पे खड़े रहे दो जने, दो लोग एक निकल गया, ये दवा लगे लगा, इसे बाद में निकाला, 10-5 मिनट बाद में तो खून में दिखा लगा। तीन घंटे तक कहाँ चोट लगी थी? देखो सर में, अस्पताल वगैरह लेके गए, क्या नाम है आपका? गंगाराम। अच्छा, आज जो महिला खत्म हुई है वो किस कारण? वो रात तेज हवा जो चली है तूफान के, उसमें दबी है। क्या गिर गया? पूरा मकान गिर गया। फिर क्या हुआ यहाँ पर, किस तरह का? फिर पड़ोसी ने जो, उसे पता चली पड़ोसी को, उसका नाम अभिपाल है, उसने जो उसे निकाला, इतने हम घर के पहुंचे, उसने उसे निकाल लिया और चारपाई पर लिटा ली। फिर हम एकदम हॉस्पिटल संभल ले गए। मौके पर कोई अधिकारी आया है? उस समय कोई अधिकारी नहीं था, हम अपने आप ही जो ये हॉस्पिटल वाली गाड़ी से और संभल ले गए। फिर वहां से उन्होंने अपना जो भी कुछ करना ट्रीटमेंट होकर के इन्हें रेफर मुरादाबाद कर दिया। मुरादाबाद जाके उन्होंने जो वहाँ भी जो भी कुछ ट्रीटमेंट किया, उसके बाद बोले मेरठ ले जाओ, इसमें कुछ नहीं है। तो फिर वहाँ से हम सवारी करके वापिस होने को थे, इतने ही उसने दम तोड़ दिया। फिर हमने पुलिस को, प्रशासन को भी अवगत कराया, पत्रकारों को भी अवगत कराया। मोहम्मद नहीं, क्या घटना हुई थी? रात हम तूफान में चल रहे हैं, वो तेज रात ये मक्का निकाल रहे हैं, मक्का ढकल लगे, बारिश आई तो बारिश का हवा भी बहुत तेज, ऊपर से गुद्दा आया कि निकल गया। कितने ऊपर से गुद्दा आया था? वो सोचा सो कम ना। क्या हुआ था फिर? उसके बाद घंटी फट गई, नहीं फिसली, अस्पताल लेके गए, अस्पताल में पूछ तो गए लेकिन इतने दवाई ववाई ना दे पाए। तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आया रास्ता अब तक आपके पास? ना, कोई ना आया।
हाँ सर, जो आदि से तूफान से कितनी मौत होगी सर? संबंध तहसील में रात में लगभग 9 बजे के आसपास जब तूफान आया था उसमें 3 लोगों की मौत की सूचना है। पहला मामला है यही थाना नकासा का बंदूसराय का, जिसमें एक युवक की मौत पानी से टीन उड़कर उसके ऊपर गिरी जिससे उसकी गर्दन कट गई और उसकी डेथ हो गई। दूसरा प्रकरण है थाना अश्वनी का, श्रीमती आशा देवी जिनके घर की दीवार इनके ऊपर गिर गई और ये डेथ हो गई अस्पताल में जाते समय। तीसरा प्रकरण थाना हयात नगर का है, जो मुस्तफ़ा हैं पुत्र जरीफ 22 साल एज है, ये अपना खेत में मक्का का काम कर रहे थे, कुछ समय जमाने के दौरान आया इनके ऊपर पेड़ की टांग गिर गई और इनकी डेथ हो गई। तो संभल तहसील के कुछ 3 प्रकरण सामने आए अभी तक, और भी देख रहे हैं कोई ऐसा मामला हो तो संज्ञान में आता है। सब कुछ और भी नुकसान हुआ पेड़ गिरने से? बाकी अभी कोई सूचना नहीं है, लेखपालों को और संबंधित थाना अध्यक्षों को ये निर्देशित किया गया है तो वो क्षेत्र में निवासी तहसीलदार कर सकते हैं। इस तरीके की और कोई सूचना तो नहीं है, अगर कहीं पर है तो उसको छुटकारा होता है।